दक्षिणी दिल्ली के चुनावी रणभूमि में उतरी भारतीय सेना। जी हां, सेना से रिटायर फौजी ने दक्षिणी दिल्ली में लोकसभा उम्मीदवार के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हर देशवासी की एक शान है, जय जवान जय किसान। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की गलियों में भारतीय सेना से रिटायर फौजी लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। ये तस्वीरें दक्षिणी दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी इलाके की हैं, जहाँ पर सेना से रिटायर उम्मीदवार अपने कई रिटायर थियों के साथ लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में पानी की समस्या शुरू से ही है। इस उम्मीदवार का दावा है कि अगर यहाँ की जनता उन्हें जिता कर लाती है तो वो कुसुमपुर पहाड़ी में यूजीआर बनाकर पूरे कुसुमपुर पहाड़ी को पानी की समस्या से निजात दिलाएंगे। सबसे पहले इस उम्मीदवार की जानकारी आपको बता दें, इनका नाम है सुरेंद्र पहलवान। यह भारतीय सेना नौसेना से रिटायर हैं और इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जवान किसान पार्टी। चुनाव के लिए रणभूमि में उतरे हैं। इस फौजी का आरोप है कि देश की सरकार देशवासियों के लिए अच्छा कार्य नहीं कर रही है। राज्य में केजरीवाल की सरकार हो या फिर केंद्र में मोदी की सरकार हो, इसके कई नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। लिहाजा आज जरूरत है भारत की राजनीति को बदलने की, ऐसा भ्रष्टाचारी नेताओं को सबक सिखाने की जो कि देश की जनता का पैसा लूटकर अपनी जेब भरते हैं। यहां मौजूदा सभी रिटायर फौजी ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का जमकर विरोध किया। आरोप है कि केंद्र सरकार इसमें भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहां गार्ड की नौकरी दिलाने के नाम पर यह योजना लेकर आई है, ताकि चार साल बाद जब सैनिक रिटायर होंगे तो वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के यहां पर गार्ड की नौकरी करेंगे। ये फौजी भले ही रिटायर हो गए हो, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उनके जोश में कोई भी कमी देखने को नहीं मिली। हाथों में माइक और अपने उम्मीदवार का पंपलेट लेकर अपने वोटरों के तक पहुंच रही हैं और किस तरीके से वोट की अपील कर रहे हैं, आइए वो अब हम आपको सुनाते हैं। आप ये देखिए देश की विषम परिस्थिति। ये देश में जो अग्निवीर लाया गया है 22 साल में नए जवानों को रिटायर कर दिया जा रहा है, क्या इनको 10 साल में एक और मौका देना चाहिए? जब देश के अंदर किसी को पेंशन नहीं तो इनको पेंशन का हक किसने दिया? देश का पैसा ये अपने ऐशो आराम में जो सरहद से सरहद की रक्षा कर सकता है वही देश के अंदर भी रक्षा कर सकता है। कांग्रेस ने पार्टी बनाई है भारतीय जवान किसान पार्टी बनाई है फौजियों ने, और इसी करेंगे और सुरक्षा की 100% गारंटी। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार, अब की आप सही सरकार। नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार, की बात फौजियों की सरकार। भारतीय जवान नमस्कार। ये बताइए, लोकसभा का और हम फौजी है, फौजी ही देश की रक्षा करता है और वो लोगों की सुरक्षा करता है। आप लोग शांति से मतलब हर भारतवासी की एक ही शान, जय जवान जय किसान। सरहद से संसद तक, सरहद से संसद तक, सरहद से संसद तक, सरहद से हम चल चुके हैं, उस संसद में भेजना जनता का काम है, कुसुमपुर की जनता का काम है। हम संसद में जाते हैं सबसे पहले कुसुमपुर पहाड़ी पे यूजीआर बनेगा और हम हर भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा के छोड़ेंगे। एक फौजी हर दिन अपना गर्दन कटाता है, जब एक समाज में कॉलोनियों में आप सुख की नींद सोते हैं और ये नेता इंडिया गठबंधन हो या मोदी सरकार सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार में एक दूसरे के भाई। मेरा नाम सुरेंद्र पहलवान है और भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ, मैं एक फौजी हूँ। क्या वजह है जो एक फौजी आज चुनावी मैदान में? फौजी का काम राजनीति नहीं है, लेकिन देश के आज हालात देखते हुए, भ्रष्टाचारों को देखते हुए, हर डिपार्टमेंट में तराई तराई और तानाशाह, हम कोई भी काम नहीं करा सकते। हम धरने पे बैठे हुए हैं लेकिन सरकार नहीं सुनती, इसलिए हम मजबूर होके हमें राजनीति में उतरना पड़ा। शिकायत किस बात की है आप लोगों को, जो समाज में किस तरह का बदलाव चाहे? देखिए, आप इसी कॉलोनी के ले लीजिए, यहाँ शायद हर दिन
सौ डेढ़ सौ टैंकर पानी आते होंगे। यहाँ ये कि यूजीआर क्यों नहीं बना देते? अगर यहाँ पर एक यूजीआर बना दे तो टैंकरों की समस्या ही नहीं है। यहाँ क्यों टैंकर देते? टैंकर पानी का भेजना देश में ये घोटाला है, एक जल बोर्ड का घोटाला, टैंकर भेजना क्योंकि इनको पानी मिल जाए बाल्टियों में, नल में नहीं आए, बाल्टियों में पानी मिले। यहाँ पर कुसुमपुर पहाड़ी में यूजीआर बनना बढ़ाना चाहिए इन्होंने, जिससे ये घोटाला बंद हो टैंकरों का। टैंकर एक घोटाला है, ये बंद होके यहाँ पर एक यूजीआर बनना चाहिए। अगर हम आते हैं तो यहाँ कुसुमपुर पहाड़ी में एक वाटर यूजीआर बनेगा। आपकी लड़ाई बीजेपी से है या इंडिया गठबंधन? हमारी लड़ाई दोनों पार्टियों से है। दोनों पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू और एक ही उसके चट्टे बट्टे हैं। ये आप ये देख रहे हो, उनको कुर्सी चाहिए, कांग्रेस से मिले चाहे बीजेपी से मिले, बीजेपी वाले कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में आ जाते हैं। लेकिन उनका ये है, टिकट मिलेगी जीत का आएंगे, सेवा करेंगे, वरना हम पार्टी बदलेंगे। तो पार्टी बदलना इनका धर्म का पेशा है। हम जो आए हैं, ये तंग होकर आए हैं, हम दो साल से धरने पे बैठे हैं वन रैंक वन पेंशन को लेके, लेकिन मोदी सरकार हमारी बात नहीं सुनी है। कई दौर की मीटिंग भी हुई, एमओडी ने माना, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी, तब हम तंग आके इसमें आए हैं। जब अब उसके अंदर घुसे हैं तो तरह तरह के घोटाले, तरह तरह के भ्रष्टाचार हमारे सामने आए। फिर हमने सोचा यार, हम देश के सिपाही हैं, किस बात के सिपाही हैं? अगर हम समाज की इन बुराइयों को दूर ना कर सके तो हमारे जिंदगी जीवन ही बेकार है। साउथ दिल्ली से एक और पहलवान खड़े हैं, सही राम पहलवान, आप भी पहलवान, क्या टक्कर दे पाएंगे पहलवान? 100% त्रिकोणीय मुकाबला है। सही राम का क्षेत्र में जब मैं गया, लोग वे इतने दुखी हैं, मैं वर्णन नहीं कर सकता। अपने क्षेत्र में नालियों का पानी तक साफ नहीं करा पा रहे, रोड साफ नहीं करा पा रहे, रोड टूटे पड़े हैं, यानी कि इतना। आप जाकर देखिए, वहाँ वीडियो बनाइए, वो पूरी दिल्ली, साउथ दिल्ली का विकास करेंगे सही राम पहलवान। इनकी हिम्मत नहीं है, ये विकास कर जाए और ये विकास करे, ये सिर्फ एक नंबर है अपनी सरकार को बहुमत देने के लिए, ये कुछ नहीं कर सकते। फौजी एक ऐसा सिपाही है, अगर ये संसद में जाता है तो संसद से सड़क तक भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, और जितनी बुराई है, जैसे इस कॉलोनी में इन्होंने आज तक यूजीआर क्यों नहीं बनाया? इस कॉलोनी में यूजीआर बनेगा तो पानी की बिल्कुल समस्या खत्म हो जाएगी। टैंकर एक घोटाला है, ये पैसा कमाते हैं, दिल्ली सरकार पैसा कमा रही है ये टैंकर घोटाले से, और एक चोर सरकार है।